दोस्तों आज मैं आपको फिर से न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस बनाना सिखाने वाला हूं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दो वीडियो अपलोड हो चुकी है तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप नए हो चैनल पर तो कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटे को दबाने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, आगे आपको इसी तरह की वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अलाइट मोशन ऐप को आप ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पर आप क्लिक कर यहाँ पर आपको 1000x2340 रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेम रेट 30 सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद प्लस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑडियो पर आप क्लिक करेंगे। व्यूअर पर क्लिक करके जो गाना मैं ऐड यहाँ पर करने वाला हूँ वो गाना आपको दे दूंगा। तो आप सिंपल से उस गाने को यहाँ पर ऐड करेंगे। जो गाना आप जस्ट डाउनलोड करोगे वो आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। तो आप सिंपल से उस पर क्लिक करके उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको गाने की जो लिरिक्स है वो सुन लेनी है, बाकी का इसको हटा देंगे। मैंने पूरे गाने को सुन रखा है, उसकी जो लिरिक्स है वो मैंने यहाँ पर नोट पैड पर पेस्ट कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप ओपन करेंगे अलाइट मोशन ऐप को। यहाँ पर आप सुन लेंगे कि फर्स्ट लिरिक्स आपकी कहाँ से आ रही है और कहाँ तक आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इमेज ऐड करेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर आप क्लिक करेंगे और व्यू ऑल पर क्लिक करके आपको एक इमेज मैं आपको दे दूंगा। तो सिंपल से आप उस इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज यहाँ पर आ जाएगी। थ्री डॉट पर क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, अपने हिसाब से हाथ से थोड़ा जूम कर लेंगे। उसके बाद इस इमेज को आप उतना रखेंगे जितना आपका गाना है। तो इस इमेज पर क्लिक करेंगे, लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इमेज की साइज उतनी हो जाएगी। इसके बाद आपको सुन लेना कि आपकी फर्स्ट लिरिक्स कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म हो रही है। फर्स्ट लिरिक्स आपकी ये है, तू ही है दिल की रौनक, ये मेरी फर्स्ट लिरिक्स है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। आपकी भी इसी तरीके से होगी, आपको गाने को सुन लेना है। मेरी फर्स्ट लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद कहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरी दूसरी लिरिक्स ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस पॉइंट के बीच में मुझे ये लिरिक्स डालनी है। इस तरीके से आपको पूरे गाने को सुनकर उनमें पॉइंट डाल लेने हैं ताकि आपको बाद में आसानी होगी। आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंट पर आएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे, टैग पर क्लिक करेंगे और अपने लिरिक्स को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप एक फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको बिल्कुल बीच में कर लेंगे। आप ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे जो कि मैं आपको दे दूंगा। आप कलर पर क्लिक करेंगे और वाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 18 पीटी पर क्लिक करके इसकी साइज बढ़ा लेंगे और इसको बिल्कुल नीचे सेट कर देंगे। तो इतनी साइज काफ़ी है। इस तरीके से आप रखेंगे लिरिक्स को और उसके बाद राइट पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो ये नेम यहाँ पर आ चुका जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिरिक्स मैंने लिख दी, इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे। टैग पर आप क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आप स्लाइड करेंगे, टैग पर क्लिक करेंगे, टैग ट्रांसफॉर्म ये वाले इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आप अल्फ़ा पर क्लिक करेंगे, इसको आप इस तरीके से -1010 सेलेक्ट करेंगे। इसको आप -1010 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करेंगे, नीचे स्लाइड करने के बाद आप इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पर सीट पर क्लिक करेंगे। इसको आप यहाँ पर रख लेंगे 3.50 होने के बाद आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आप स्केल पर क्लिक करेंगे और इसको आप रख लेंगे 3.20 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक की फॉर्म ऐड करेंगे। की फॉर्म ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 की फॉर्म ऐड करनी है। उसके बाद थोड़े आगे आएंगे और यहाँ पर आप एक की फॉर्म ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बीच में नहीं, बीच से पहले यहाँ पर एक की फॉर्म आप ऐड कर देंगे। लास्ट में जाएंगे, सॉरी थोड़ी आगे, एक लास्ट में आप की फॉर्म ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको ये वाली सेकंड वाली की फॉर्म पर आना है और इस पर आएंगे, इसको 100 तक आप स्लाइड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको ये वाली की फॉर्म पर आना है और आपको फिर से इसको 100 स्लाइड करना है इस तरीके से। तो आपका काम यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप साइड में टैप करेंगे और यहाँ पर आप प्ले करके देखते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा लिरिक्स यहाँ पर सेट हो चुका है।
आप इसी तरीके से पूरे गाने को सुन लेंगे और आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कॉपी लेयर कर लेंगे। जहाँ पर आपका दूसरा लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर जस्ट यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप इसकी साइज जितना रखना चाहते हैं उतनी आप रख लेंगे, मतलब दूसरा लिरिक्स आपका कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा दूसरा लिरिक्स है तू ही जन, ये वाला, तो मैं दूसरे लिरिक्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और आप अलाइट मोशन ऐप के अंदर आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर कर राइट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों की साइज़ यहाँ पर सेम थी, आपको चेंज करना है, आपको अपने लिरिक्स के हिसाब से इनको सेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा आगे पेस्ट कर देंगे तो आपका पूरा स्टेटस कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। पूरी लिरिक्स को आप इसी तरीके से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप क्या करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पूरे गाने के अंदर लिरिक्स को डाल दिया है, उसके बाद आप आगे आएंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, कलर एंड लाइट पर आप क्लिक करेंगे, हो शिफ्ट ये वाले इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे, एक की फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे, लास्ट में जाकर एक की फॉर्म आप यहाँ पर लगाएंगे। इसको आप इस तरीके से स्लाइड करेंगे, आप इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना आप रख लेंगे, उसके बाद आगे आ जाएंगे। स्टेटस को प्ले करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा गजब आपका स्टेटस यहाँ पर लगेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा स्टेटस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सेटिंग के पास वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।